वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो वीडियो देख के पता चल ही रहा होगा कि ये इस तरह का ब्लॉग होने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी अ कॉलेज ब्लॉग। उससे पहले ये बादल देखिए, अंदर बादल। आज का मौसम कितना सही है, देखो बादल, माउंटेन पे ऐसे बादल आ रखे हैं। उधर भी यही सीन है, इधर भी यही सीन है, हर तरफ बादल ही बादल। अभी थोड़ा कम हो गया है, सुबह इससे भी ज़्यादा था। चलते हैं कॉलेज की ओर। तो आजकल देहरादून में बारिश भी हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली अगस्त का महीना चल रहा है, बट बारिश के साथ धूप गर्मी सब कुछ मिलता है हमें। तो छाता कैरी करना ज़रूरी है क्योंकि हमेशा हम केमिकल जो बैरियर होता है सन का वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें फिज़िकल बैरियर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए सन के एक्सपोजर से बचने के लिए, आई मीन यूवी रेज से बचने के लिए। तो चलते हैं कॉलेज की ओर और आपको जितना मेरे से कैप्चर हो पाएगा कॉलेज का जो भी मोमेंट है वो मैं ऐड करूँगी। बाकी कॉलेज के जब क्लास होता है तब हम ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि टीचर पढ़ाते रहते हैं। सो चलते हैं कॉलेज। हेयर स्टाइल हेयर होस्टेस वाला, क्योंकि जब भी मैं यही बना सकती हूँ, मैं यही करती हूँ, चिपकू टाइप बना के और इधर रिकॉर्ड बना लेती हूँ। 2 मिनट में बन जाता है, 2 मिनट भी नहीं लगता, 1 मिनट लगता है। और बाहर दिन चलता भी है, कॉलेज के लिए सही है। वैसे भी कॉलेज में तो क्या मूड होके भी नहीं जाए तो भी चल सकता है, बट हाँ मूड होके तो जाना पड़ता है, पर लोग तो बिना मूड होए भी आ जाते हैं। होली में उसको कर देंगे बर्बाद। जब पकड़ दो, जब तुम्हें ड्रेस, जब हमें 3 साल से ड्रेस नहीं मिलती है तो हम 4th साल में फॉर्म भरते हैं। आर्ट आर्टिस्ट तू क्या कर रही है? पब्लिक मैं भी तो वही हूँ, चेयरपर्सन। तेरा मैं ना यूट्यूब लिंक ऐड कर दूंगी अगर मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो। हाँ सही आइडिया गाइस, इसका मैं यूट्यूब ब्लॉग ऐड, सॉरी यूट्यूब लिंक ऐड कर दूंगी, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। तू रेगुलर पोस्ट नहीं करती है ना? ये बहन जी बताने वाली है अपने आउटफिट का कॉस्ट, बताइए। आप पहले, ये मेरी बहन का है, ये 200 रुपए का लिया था। कहाँ से लिया था? पल्टन से। ओके, खड़ी तो हो, दिख नहीं रहा कुछ, अब खड़ी हो गए पापा। हाँ, और ये 300 वाला।
500 हो गए, 500 पाँच आठ कितना होता है, 8 हो गया 1300। कहाँ से आए, चोरी किए? चोरी करके तू भाई खुद तू बताने वाली है। हाँ तो नया नया छोटा सा टॉपिक जो शुरू होते ही खत्म हो गया ये काम। ये मेरा मेरी बहन का और ये मेरी बड़ी बहन का। प्राइस पूछ रहे हैं, रेट बताना, रेट बताना अपने कपड़ों के। 10 रुपए। तेरा खुद का क्या है? ठीक है, तेरा खुद का क्या? मेरी बहन का, ये मेरी बड़ी बहन का। अभी तो ये बहन का और ये बड़ी बहन का, तेरा तो सब खुद का ही होगा ना? भाई कमाई तेरा भी सब खुद का। चलो चलते हैं। ये है हमारा कंपनी जहाँ पे हमने काम किया था इंटर्नशिप, फार्मासी इंटर्नशिप के लिए। और मैं जब हमारा डॉक्यूमेंट मिलने वाला था, मेरा डॉक्यूमेंट मिलने वाला था इंटर्नशिप का, तब मैं घर चली गई थी क्योंकि मेरा उस दिन टिकट था जाने का और मैं इतने दिन से नहीं आई थी। और अभी मैं आई हूँ डॉक्यूमेंट अपना लेने के लिए और मैं आई नहीं है। क्या किस्मत है मेरी, मैं दूसरे का स्कूटी लेके आई हूँ अकेले इतनी दूर से। इतना दूर भी नहीं है, बट हाँ मतलब अभी मेरा कॉलेज का ब्रेक था, लंच ब्रेक था, उसमें मैं आई क्या बोलते हैं दूसरे का स्कूटी लेके कि मैं डॉक्यूमेंट ले लूँगी, बट मैम ही नहीं है। मेरी किस्मत ही ख़राब है। बट इन्होंने बोला कि आप कभी भी आके ले सकते हो, तो देखते हैं कब आके लेना होगा। गाड़ी पार्क कर दी गई। देन आई रीच्ड 5 मिनट लेट टू द लैब। ऐसा यूजुअली होता नहीं है, बट हाँ मैं 5 मिनट लेट थी तो भगवान के दया से हो गया और मेरे लिए अच्छा रहा। फिर हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, उस दिन हमें 2 प्रैक्टिकल करना था और दोनों ही काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। और उस दिन हमारा केमिस्ट्री का लैब था जो कि ऑब्वियसली होता ही है टाइम कंज्यूमिंग। बहुत चल रहा है क्या यहाँ पे? अरे यूं मत दिखा दे। वो करना था पत्ते पत्ते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे ब्लॉग, आई मीन अ डे इन माय लाइफ एज अ फार्मेसी स्टूडेंट, और आप कह सकते हो एक तरह का कॉलेज ब्लॉग। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब।